16 तारीख को भोटा चौक हमीरपुर रेन शेल्टर में अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था, जिसका पोस्टमार्टम हुआ और अंतिम संस्कार किया गया। अब इन अस्थियों को हरिद्वार गंगा में ब्रह्मकुंड में विसर्जित किया जाएगा। ये काम समाज सेवी शांतनु कुमार द्वारा किया गया। अब तक शांतनु कुमार 1119 दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उनका अंतिम संस्कार व उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर चुके हैं। वहीं पिछले हफ्ते में भी जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर के साथ तारादेवी मंदिर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था, जिनका शिनाख्त नहीं हो पाई थी। उसके बाद उनका ज्वालामुखी शमशान घाट में जलाया गया एवं कलेश्वर घाट में ब्यास नदी में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विधिवत विसर्जन किया गया। ये काम भी समाज सेवी शांतनु कुमार ने ही किया, जिसके तहत मिशन लावारिस को अब तक जिला स्तरीय से लेकर प्रदेश सरकार एवं नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड मिलाकर 25 अवार्ड समाज सेवी शांतनु ने अपने नाम किया है। इसमें मिले हुए राशि भी सामाजिक कार्य में दान कर दी गई है। शांतनु कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें कोई लावारिस शव मिलता है तो मोबाइल नंबर 9418069650 पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य है जहां पर लावारिस शवों की सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं होता, बल्कि विधिवत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हरिद्वार गंगा में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में पिंडदान के साथ दिवंगत आत्माओं की गति की जाती है, जो बिना किसी सरकारी सहायता के की जाती है। पिछले 16 तारीख को जिला हमीरपुर के होटा चौक में रेन शटर में एक अधेड़ व्यक्ति की शव मिला था, जो कि काफी समय से यहां पर भीख मांगकर अपनी गुजारा कर रहा था। पिछले दिन कड़क सर्दी में उनका देहांत हो जाता है। आज स्थानीय लोगों ने उनका सूचना पुलिस को देता है, जिसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पिछले कल उनका पोस्टमार्टम किया जाता है एवं उस व्यक्ति की कल इस शव को जिला हमीरपुर के हथली घाट में शमशान घाट में इसको जलाया जाता है। उसके बाद इस शव की अस्थियां जो है हमने इकट्ठा की आज। इस दिवंगत का जो अस्थियां है, इस बार हमारा प्रयास रहेगा हरिद्वार गंगा जी में विसर्जन किया जाए और उनकी आत्मा की गति के लिए वहां प्रार्थना और पिंडदान के साथ जो भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया जा सके वो करेंगे हमने। और लोगों से अपील रहेगा कि कोई भी ऐसा लावारिस मिलता है उसकी सूचना कृपया मेरे मोबाइल नंबर 9481869502 पर देने की कृपा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लावारिस हरिद्वार गंगा जी में विसर्जन की जा सके और उनका आत्मा की गति की जा सके। पीछे भी हमने ज्वाला जी जिला कांगड़ा में भी ऐसा ही एक अधेड़ व्यक्ति का शव जो तारादेवी मंदिर में पाए गए थे, उनका भी हमने पूरा विधि विधान से हमने अनिल चौहान जी के सहयोग से जिला कांगड़ा में हमने पूरा किया था। इस बार भी हमने अनिल चौहान जी के सहयोग से हमने इस व्यक्ति की जो अस्थियां है वो हरिद्वार पहुंचाने की पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।